नमस्कार दोस्तों, पीजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनवायरनमेंट का एक टॉपिक कवर करेंगे, मियावाकी मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, वनीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। तो मियावाकी मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत दिनों से चर्चा में है, 2018 से ही लगभग चर्चा में रहा है, और इंडिया में जो है वो तमिलनाडु में और तेलंगाना में इसका यूज़ भी हुआ है, तो इसलिए जो है वो न्यूज़ में ये बना रहता है। और यूपीएससी में अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है इस पर, इसलिए संभावना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो और उसके साथ ही साथ एफॉरेस्टेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कारण ये है कि इस समय जो है वो हर जगह लोग वकालत कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, जंगलों को कैसे बचाया जाए, तो इस कंटेक्स्ट में जो है वो इस टॉपिक की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इसमें होता क्या है कि एक छोटे से एरिया में घने जंगलों को उगाने का एक तरीका जो है वो अकीरा मियावाकी जापानीज बॉटनिस्ट है, उन्होंने सुझाया था। तो ये बॉटनिस्ट है, उन्होंने सुझाया था, तो ये उसी से संबंधित है। तो आज के टॉपिक में हम मियावाकी मेथड जानेंगे क्या होता है, उसका जो डिटेल्ड प्रोसेस है हम वो समझेंगे, कैसे कैसे जो है वो जंगल उगाए जाते हैं। उसके बाद हम अकीरा मियावाकी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और लास्ट में जो है वो हम डिस्कशन करेंगे एफॉरेस्टेशन के बारे में और उसके जो है वो क्या उपयोग होते हैं, क्यों वो ज़रूरी है, इस पर भी हम जो है वो छोटी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, मियावाकी मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि अकीरा मियावाकी जो कि एक जापानीज बॉटनिस्ट है, उन्होंने मियावाकी मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन को डेवलप किया, उन्होंने इसको सुझाया। और इसका उपयोग कहाँ होता है, अगर हमको एक छोटे से एरिया में कम समय में घने जंगल उगाने हैं तो वहाँ पर हम मियावाकी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जो अर्बन एफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि शहरों में जो है वो हरा भरा करना उनको, उसका जो उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है मियावाकी मेथड से। और अब जो है वो इस मेथड के इंट्रोड्यूस होने से लोग सक्षम हो गए हैं कि वो अपने घर के आसपास उनको जहाँ पर भी जगह मिले वो वहाँ पर पेड़ लगा के घने जंगल जो है वो छोटे समय में डेवलप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जो है वो अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन जाने कि ये होता क्या है इसमें, तो इसमें जो है वो क्या किया जाता है कि अलग अलग तरह के पौधे जो है वो एक छोटी सी जगह में प्लांट किए जाते हैं, कम जगह में प्लांट किए जाते हैं। तो इससे ये होता है कि जगह की तो बचत होती ही होती है। अगर हमको जंगल कहीं पर उगाना है तो हमको बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत होती है जंगल, लेकिन मियावाकी मेथड में वो काम जो है वो बहुत छोटे से एरिया में होता है। और क्योंकि ये छोटे से एरिया में होता है और सारे पौधे एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, तो जो सनलाइट होती है वो ज़मीन तक नहीं पहुंचती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वीड होती हैं उनके ग्रोथ में सनलाइट मदद नहीं करती है, वीड वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाती है, तो उससे जो प्लांट्स को नुकसान होता है, प्लांट्स को जो रिसोर्सेज के लिए वीड्स के साथ लड़ना पड़ता है, वो लड़ाई यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो एक दूसरे को जो है वो पौधे सपोर्ट भी करते हैं और साथ ही साथ वीड्स के उगने में भी जो है वो बाधा डालते हैं, इससे जो है वो जंगल और जल्दी जो है वो उग जाता है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि मियावाकी मेथड से जो जंगल डेवलप होते हैं, उगाए जाते हैं, वो एक साल के बाद मेंटेनेंस फ्री हो जाते हैं। मतलब कि पहले साल में जो पौधे लगाए गए हैं, सैपलिंग्स लगाए गए हैं, हमको उनका जो है वो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं, टाइमली हो रही है कि नहीं, लेकिन उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस उनका हमको नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली वो नेचुरली उनका जो है वो मेंटेनेंस होता रहता है। इस अप्रोच के जो एडवोकेट हैं, जो इस अप्रोच का सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि मियावाकी मेथड से जो है वो 10 गुना तेज़ी से जंगल उगाए जा सकते हैं, और जो जंगल मियावाकी मेथड से उगते हैं वो 30 गुना ज़्यादा घने होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मली जो जंगल होते हैं। हमको कहीं पर जंगल उगाना है तो हमको उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है। जैसे कि कोई भी जंगल आप अगर अपने सामने देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसका इतिहास जो है वहाँ से 150, 200, 300 साल तक पुराना हो सकता है, क्योंकि इतने घने जंगल उगने में इतना टाइम लगता है। लेकिन मियावाकी मेथड में यही उसकी खासियत है कि 20 से 30 साल में छोटे से एरिया में घने जंगल उगाए जा सकते हैं मियावाकी मेथड द्वारा, और इसी के चलते जो है वो इतना ज़्यादा ये धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, डिटेल्ड बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है जिससे कि मियावाकी मेथड जिसमें कि यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो क्या होता है कि जो जगह कम होती है, इसलिए हमको पहले से ही निर्णय लेना होता है कि हमको कौन कौन से पौधे, कौन कौन से पेड़ यहाँ पर लगाने हैं। वो निर्णय लेने के बाद हमको गड्ढा खोदना होता है। गड्ढे का साइज़ भी डिपेंड करता है कि हमारे पास जगह कितनी अवेलेबल है।
अभी मैंने जो आपको पहले बताया कि पेड़ों की पर भी डिसीजन लेना पड़ता है, तो मैं इसका छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं कि कहा जाता है कि जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि जो पेड़ों की हाइट होती है हमको वो भी चूज़ करनी होती है, कि अगर हम एक पौधा जो है वो एक पेड़ जो है वो लंबी हाइट का लगा रहे हैं तो दूसरा हम जो है वो छोटी हाइट का लगाएं, तो उससे क्या होगा कि उन दोनों पेड़ों में आपस में रिसोर्सेज के लिए जो है वो क्लैश नहीं होगा, तो इससे जो है वो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो हमको इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, ये सारे निर्णय लेने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि पेड़ कौन से लगेंगे, पौधे कौन कौन से लगेंगे, फिर हमने जो है वो गड्ढा भी खोद लिया। इसके बाद हम जो है वो उस गड्ढे में पहली लेयर जो है डालेंगे वो कंपोस्ट की डालेंगे, उसके बाद दूसरी लेयर जो उसमें पड़ेगी वो नेचुरल वेस्ट की पड़ेगी, जिसमें कि नारियल के छिलके वगैरह इस तरह की चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो पहले कंपोस्ट जाएगा, फिर नेचुरल वेस्ट जाएगा, और सबसे ऊपर जो है वो रेड सॉइल की एक लेयर डाली जाती है, लाल मिट्टी की एक लेयर डाली जाती है। फिर जब ये तीन लेयर का सिस्टम तैयार हो जाता है तो यहाँ पर जो है वो जो पौधे हमने पहले डिसाइड किए थे कि कौन कौन से लगाए जाने हैं वेरिंग हाइट्स के, वो हम जो है वो यहाँ पर प्लांट कर देते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है प्लांटेशन का, ये लगभग 2 से 3 हफ्तों में ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 साल तक जो है वो हमको रेगुलर इंटरवल्स पर देखना पड़ता है कि इनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, इनका हमको मेंटेनेंस करना पड़ता है, जो पौधे हमने लगाए हैं, सैपलिंग्स हमने लगाए हैं। लेकिन 1 साल के बाद जो है वो ये मेंटेनेंस फ्री हो जाते हैं, फिर ये ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रो करते हैं, नेचुरली ये जो है ग्रो करते हैं। अब दोस्तों, ये जो मेथड है ये बहुत टेक्निकल टाइप का है, तो इसको जो है वो कहीं पर भी शुरू करने के लिए इतना आसान भी नहीं है, तो इसके लिए जो हमको बहुत डिटेल रिसर्च करनी पड़ती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेड़ों पर ही रिसर्च होती है कि कौन से पेड़ लगाए जा सकते हैं, कौन से नहीं लगाए जा सकते हैं। अकीरा मियावाकी जी का ये भी कहना है कि ये जो मियावाकी मेथड है उसका इस्तेमाल जब किया जाए तो जो पेड़ चुने जाएं वो नेटिव पेड़ चुने जाएं, उस जगह के लोकल पेड़ चुने जाएं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो नेटिव पेड़ होते हैं उनको चार हिस्सों में चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले श्रब, फिर सब ट्री, फिर ट्री और कैनपी, फिर उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कहाँ पर लगाया जाना है। इसके बाद मिट्टी को एनालाइज किया जाता है कि उस जगह की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर कैसे पौधे पेड़ जल्दी उग सकते हैं। उसके बाद जो है वो बायोमास को जो है वो एनालाइज किया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एनालाइज किया जाता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं ज़रूरी हैं, कौन कौन से नहीं ज़रूरी हैं। तो इसमें कई तरह की स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, इतना ईजी नहीं होता है कि हमने डिसाइड किया और गड्ढा खोद के हमने जो है वो फॉरेस्ट उगा लिया। तो बहुत डिटेल जो, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, चाहे हम जगह की बात करें चाहे पेड़ों की बात करें, तो रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं, तो हमको जो है वो बहुत डिटेल्ड रिसर्च इसमें जो है वो लगानी पड़ती है। लेकिन इतनी रिसर्च के बाद जो पौधे लगाए जाते हैं, जो पेड़ लगाए जाते हैं, उसका जो सक्सेस रेट है, इस जंगल के उगने का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि तेलंगाना में, तमिलनाडु में, साउथ के स्टेट्स में, भारत में जो है वो इस तरीके का उपयोग किया गया है, मियावाकी मेथड का यूज़ किया गया है, और वहाँ पर किसानों को सफलता मिली है इस मेथड से बड़े जंगल, घने जंगल उगाने में। ये अगला जो आप पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये इसमें अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो जो प्लांटेशन के दौरान की स्थिति आपको दिखाई देगी, और अगर आप राइट में देखेंगे तो प्लांटेशन करने के कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद जो है जो सिचुएशन होती है वो आपको दिखाई देगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कम समय में और छोटी जगह में, आप क्योंकि आपको जगह भी दिखाई दे रही होगी कि बहुत छोटी सी जगह जो है वो सेलेक्ट की गई है, तो कम समय में और छोटी जगह में जंगल इससे उगाए जा सकते हैं, और इसमें जो है वो लोगों को सफलता मिली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही बन के रह गया है। तो अब दोस्तों, इसके बाद जो है वो हम जान लेते हैं कि अकीरा मियावाकी जी कौन है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो अकीरा मियावाकी जो है वो जापान के एक बॉटनिस्ट हैं, जिनकी प्लांट इकोलॉजी सीड्स और नेचुरल फॉरेस्ट में स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा दुनिया भर में जो डिग्रेडेड लैंड है, जो जिनकी स्थिति लैंड की बहुत ख़राब हो चुकी है, उनके रिस्टोरेशन में, वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन को उगाने में इनको जो है वो महारत हासिल है। ये बहुत ही जो है वो प्रसिद्ध हैं दुनिया भर में। जो 1992 की अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरो में, अकीरा मियावाकी जी का कहना है कि वो पूरी तरह से एक फेलियर था, क्योंकि जो नेटिव फॉरेस्ट है उनको बचाने के लिए उस समिट ने कुछ भी नहीं किया, और इस तरह के फॉरेस्ट जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और उनको बचाने की आज भी बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। और 70 के दशक से ही उन्होंने नेचुरल फॉरेस्ट को बचाने और उनको रिस्टोर करने की जो ज़रूरत है उस पर जोर दिया है हमेशा से। अब ये अकीरा मियावाकी जी का जो है वो फोटो है,
इसके बाद जो है वो 50 के दशक में, 50s में जो है वो अकीरा मियावाकी जी जब एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे तो वो एक कॉन्सेप्ट से परिचित हुए थे जिसको कहते हैं पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन। के बारे में दोस्तों मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये एक मान्यता है कि अगर पौधों को, प्लांट्स को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए और उसमें किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, मतलब कि मानव उसमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना करे, दखल ना करे, तो उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये जो मान्यता है और ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को कहते हैं पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन। इसके साथ ही साथ उन्होंने और भी स्टडीज़ की जिनमें उन्होंने देखा कि जो प्लांट स्पीसीज़ होती हैं वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं, कैसे जो है वो बिहेव करती हैं। इस स्टडी को, इस फील्ड ऑफ स्टडी को जो है वो कहते हैं फाइटोसोशियोलॉजी, मतलब कि प्लांट्स, पौधे, पेड़ जो है वो एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के उन्होंने पढ़ा और ये सब करने के बाद उनको समझ में आया और उन्होंने जो है वो मियावाकी मेथड इसके बाद डेवलप किया। और वैसे भी जब मियावाकी मेथड के बारे में हमने प्रोसेस भी पढ़ा था तो वहाँ पर भी जो पूरा खेल है, पूरा सिस्टम जो है वो इसी चीज़ का है कि प्लांट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमको वो देखना है, मतलब कि रिसोर्सेज में उनके बीच जो है वो बहुत ज़्यादा क्लैश ना हो, ये चीज़ हमको देखनी होती है। उनका एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर होता है, कौन से दो प्लांट्स एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। उसके बाद फिर उसमें ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन का कि एक साल तक उनका मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसके बाद उनको उनके हाल पे छोड़ देना पड़ता है। तो उनकी जो जीवन भर का जो स्टडी था, एक तरह से उसका निचोड़ जो है वो है मियावाकी मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन। लेकिन दोस्तों फिर अब बात ये आती है कि क्या मियावाकी मेथड का समर्थन जो है वो ऑल अराउंड हो रहा है, सभी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं? तो इसका जवाब होगा कि नहीं, बहुत सारे जो है वो इसके विरोधी भी दुनिया में मौजूद हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि जो लोग इसका विरोध करते हैं वो क्या तर्क देते हैं कि क्यों जो है वो मियावाकी मेथड सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट इसके विरोधी देते हैं वो ये देते हैं कि इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं जो कि मियावाकी मेथड से उगाए जाते हैं, वो नेचुरल फॉरेस्ट की कुछ क्वालिटीज़ जो हैं उनमें नहीं होती हैं, जैसे कि नेचुरल फॉरेस्ट में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनमें नहीं होती हैं। फिर बारिश पैदा करने की, उत्पन्न करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, वो जो है वो मियावाकी फॉरेस्ट में नहीं होती है। इसके बाद जो है वो कहा जाता है कि इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं वो असल में जंगल नहीं होते, वो सिर्फ लकड़ियों के ढेर होते हैं और वो जो है वो रिक्रिएशनल यूजेस के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे बर्ड वॉशिंग के लिए, बर्ड वॉचिंग के लिए, या इस तरह की मतलब जो सुंदरता बढ़ाने के लिए, देखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इनका जो एक्चुअल यूज़ है वो उतना नहीं होता जो एक्चुअल में जंगलों का होता है। इसके बाद कई इन्वायरमेंटलिस्ट ने ये भी कहा है कि इतनी तेज़ी से हम जो है वो प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, तो ये इतना तेज़ी से जो है वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, मतलब कितनी जल्दी जल्दी उनको ग्रो करने के लिए प्रेशर डाला जाता है, तो ये प्लांट्स के लिए सही नहीं होता, ये उनकी जो ग्रोथ जो है वो फॉरेस्ट जो है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है मियावाकी फॉरेस्ट। तो इस तरह के जो है वो कई जो है वो तर्क दिए गए हैं जो लोग इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। अब हमने डिस्कशन कर लिया कि मियावाकी फॉरेस्ट क्या होता है, अकीरा मियावाकी के बारे में हमने बात कर ली, और साथ ही साथ हमने बात कर ली कि इसके जो विरोधी हैं इस प्रोसेस के वो क्या कहते हैं। अब हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं एफॉरेस्टेशन के बारे में, वनीकरण के बारे में, कि वनीकरण आखिर होता क्या है, वनीकरण की सिचुएशन इस समय वर्ल्ड में क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एफॉरेस्टेशन की, तो ये जो है वो जाहिर सी बात है कि हर जगह जंगलों का नुकसान हो रहा है, फॉरेस्टेशन हो रहा है। कहा जाता है, आंकड़े बताते हैं कि 1990 और 2015 के बीच में 129 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है वो खो गए, दुनिया भर से हट गए, ख़त्म हो गए। उसके कारण कई हो सकते हैं, पेड़ काट दिए गए, बुश फायर हो गई, जंगलों में आग लग गई, कई तरह के कारण हो सकते हैं। लेकिन डेटा ये कहता है कि 1990 में आग लग गई, कई तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन डेटा ये कहता है कि 1990 से 2015 के बीच में एक हमारे दुनिया को 129 मिलियन हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट का नुकसान हुआ है। इसके बाद कहा जाता है कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे जो है वो 5 बिलियन टन या 17% जो एनुअल ग्लोबल कार्बन एमिशन होता है उसके लिए जो है वो ये जिम्मेदार है, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से 5 बिलियन टन जो है वो कार्बन एमिशन होता है। उसके अलावा सॉइल इरोजन होता है और बायोडाइवर्सिटी लॉस जो होता है वो तो अलग ही है। तो इन्हीं सब कारणों से कहा जाता है कि जंगलों को बचाना, एफॉरेस्टेशन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
कहा जाता है कि इसको जो है वो करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम आइए देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या बेनिफिट्स लोग बताते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो जो जंगल होते हैं वो कार्बन को एनवायरनमेंट से खींच लेते हैं, हवा से उसको खींच लेते हैं और उसको जो है वो लीव्स में, जड़ों में उसको जो है वो स्टोर कर लेते हैं। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट के हिसाब से जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो कार्बन होता है उसका एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन सिंक का ये जो है वो काम करते हैं। तो जब कार्बन हमारे एनवायरनमेंट से हट जाएगा, एटमॉस्फेयर से हट जाएगा, एयर से हट जाएगा, तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारा इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उन सारी समस्याओं से हम जो है वो कहीं ना कहीं बच जाएंगे। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो पुराने पेड़ होते हैं, पुराने जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो ज़्यादा कार्बन अपने अंदर स्टोर करते हैं और जो नए पेड़ होते हैं वो ज़्यादा कार्बन एनवायरनमेंट से हटाते हैं। इसके अलावा जंगल जो है वो हवा को ठंडा करते हैं और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, उसके बाद वो पानी को साफ करते हैं, प्रेसिपिटेशन उनकी वजह से होता है, हवाएं उनकी वजह से चलती हैं। फिर कहा जाता है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका 80% जो है वो जंगलों में रहता है, पेड़ पौधों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है। पेड़ पौधे या फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरिगेशन को कम करते हैं और जो बाढ़ आती है उनका जो प्रभाव होता है उसको कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो डिग्रेडेड लैंड है जहाँ पर माइनिंग होती है या जहाँ पर जानवरों द्वारा ओवर ग्रेजिंग कर ली गई है उसकी वजह से वो लैंड डिग्रेड हो गया है, तो वहाँ पर अगर पौधे लगाए जाएँ तो सॉइल की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाती है। इसके साथ ही साथ जो फर्टिलाइज़र रन ऑफ होता है, मतलब कि जो फर्टिलाइज़र बह के नदियों में चला जाता है और उसकी वजह से एल्गल ब्लूम वगैरह होता है, नदियों का पॉल्यूशन होता है, अगर वहाँ पर ढेर सारे जंगल हैं, ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो वो रन ऑफ को भी जो है वो उससे रोका जा सकता है। तो ये कई सारे हमको रीज़न मिल गया कि हमको एफॉरेस्टेशन क्यों करना चाहिए और हमारे पास कई सारे रीज़न हैं जिससे कि हमको पता लगता है कि हमको डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, हमको पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, हमने एफॉरेस्टेशन के बारे में भी एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया। हालांकि ये बहुत टेक्निकल डिस्कशन नहीं था, ये एक जो है वो जनरल डिस्कशन था, क्योंकि हम मियावाकी मेथड पढ़ रहे थे तो हमने जो है वो बात कर ली कि एफॉरेस्टेशन की ज़रूरत क्यों होती है। अगर हमको एफॉरेस्टेशन के बारे में डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, तो हमको उसके लिए जो है वो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी या हमको जो है वो, अगर आप लोग कमेंट्स में कहेंगे तो आगे जो है वो उससे रिलेटेड और वीडियोज़ डाले जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने मियावाकी मेथड पूरा ख़त्म कर लिया। मियावाकी मेथड में इससे बाहर से क्वेश्चंस जो है वो नहीं आएंगे, ये जो है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।